सोलन में 21 वर्ष पहले एक युवक दिनेश लोहिया महज निवेश के तौर पर 18,000 रुपए लेकर सोलन पहुंचा। इन 18,000 रुपए से जो सपने दिनेश लोहिया ने खुली आंखों से नहीं किंतु दिल से देखे थे, वे न केवल पूरे किए बल्कि आज वे हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। दिनेश लोहिया ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद दिल्ली में विभिन्न कंपनियों में जॉब की और फिर जो पैसे वहां संचित किए वे लेकर वे सोलन आ गए। यहां कुछ कंपनियों के लिए उत्पाद बनाकर दिए, कुछ कंपनियों ने हीरे की पहचान की और उन्हें काम दिया तो कहीं से वे ठुकरा दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि दिनेश को अपनी मेहनत पर भरोसा था। आज वे विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सर्किट प्लेट्स बनाकर दे रहे हैं। जहां उनके पास शुरुआती दौर पर पहले खाने के पैसे नहीं होते थे, आज उनकी इंडस्ट्री में कई करोड़ों रुपए की मशीनरी लगी है और करीबन 50 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। दिनेश लोहिया ने बताया कि वे संघर्ष के समय में 22 घंटे काम करते थे और केवल 2 घंटे सोते थे। यहां तक कि सीढ़ी से गिरने के कारण उन्हें अधरंग हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लेट कर ही अपना काम करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो भी सपने देखे वे दिल से देखे हैं और यही कारण है कि वे आज कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि कामयाबी 1 या 2 वर्षों में नहीं मिलती, उसके लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और आज तक उनका ये संघर्ष जारी है। उन्होंने बताया कि उनका उत्पाद आज देश विदेश दोनों जगह जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता में वे कभी कमी नहीं आने देते और ईमानदारी से कार्य को निभाते हैं। उन्होंने बताया कि वे रतन टाटा और स्वामी विवेकानंद जैसे सफल व्यक्तित्व को पढ़ते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, जिसमें वे कामयाब रहे। सोच लेके कि पैसा अपने हिमाचल में ही कमाना है, मैं एक सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए लेके अपना सोलन शहर में पहुंचा था और ये लगभग अभी 21 साल का सफ़र हो चुका है। उसी 18,000 रुपए से हम एक रेप्यूटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना चुके हैं, एक लोहिया टेलीमेटिक्स का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, EMS सर्विसेज में इवन ऑल ओवर इंडिया माना जाता है। शुरू से ही मानने था कि लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जॉब्स के लिए बहुत दूर दूर भागते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में विज़न है तो एज फार एज मनी इज़ कंसर्न, पैसा जहाँ तक मैटर करता है वो हर जगह बिखरा पड़ा है। आपके पास एक विज़न अलग होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने की पावर होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गो। और दूसरा है कि आप के जो ड्रीम्स हैं वो नॉट बाई आइज, दैट शुड बी बाई योर हार्ट, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि जो आपके आँखों के द्वारा देखे गए सपने हैं वो लार्जली या तो दुख के आंसुओं के साथ बह जाते हैं या खुशी के आंसुओं के साथ बह जाते हैं। आपका जो ड्रीम यहाँ से लिया गया और सच्चे दिल से हम जब भी बात करते हैं कि यार सच्चे दिल से बोल, तो आपका जो भी सपना सच्चे दिल से देखा गया वो ऑलवेज पूरा होता है और आप उसमें हमेशा लगे रहते हैं, वो सपने कभी वाश आउट नहीं होते। पता था मेरा शुरू से ही, जैसे रतन टाटा जी को पढ़ना, विवेकानंद जी को पढ़ना, ये लोग पूरे वर्ल्ड में अपना कैसे नाम कमा पाए, तो मेरे अंदर भी एक छोटी सी भावना होती थी कि आज से 20 साल पहले कि मैं भी कोई ना कोई छोटा सा नाम कमाऊँ, कि मुझे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग या 1,000 लोग डिफरेंट तरीके से देखें, कि जब भी मैं एक 1,000 लोगों के झुंड में से गुजरूँ तो स्पेशली आइडेंटिफाई करें कि देखिए वो लोहिया जा रहा है। ये मेरी ख्वाहिश थी, तो इसके लिए मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया और इसके पीछे का राज बस यही है, कड़ी मेहनत इन द राइट डायरेक्शन एंड कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी। अगर आप लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो तो कोई भी टारगेट आपके लिए नॉन अचीवेबल नहीं है। लगभग 10 साल तक लगातार ये जो मेहनत है ये 20 से 22 घंटे की रही है, 2 घंटे सिर्फ सोना मिला है और शायद खाने का तो मुझे याद नहीं कि जब भी काम के लिए मैं आज भी खाने की परवाह नहीं करता हूँ, मीन्स आई एम टोटली फोकस्ड टू माई वर्क। जब तक काम है तब तो मीन्स मेरी भूख ही मेरा काम है, मुझे काम मिल रहा है तो मेरी भूख ख़त्म हो रही है और काम ही मेरे लिए पूजा है। तो ये हार्ड फैक्ट है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। जो दूसरे जहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और हार्ड वर्क मीन्स नॉट मीन्स आप लगे रहिए, आप एक इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करेंगे, कैलकुलेटिव हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ में
ऑफकोर्स आगे जाएंगे। एंड और यहाँ मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूँगा, लाइफ में कुछ भी अचीव विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स या विद इन वन और टू ईयर्स नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है और उसके बाद आप अपना सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप पहुँच सकते हैं।